नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अमृता और मेरी इस पूजा क्रोच चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए टेबल कवर की डिज़ाइन लाई हूँ। तो ये टेबल कवर की डिज़ाइन मैंने, देखिए दो कलर से मैंने इसे बनाया है। अगर आपको चाहिए तो ये एक कलर में भी आप बना सकते हैं। तो मैंने व्हाइट को डाल के तीन कलर यूज़ किया है, वरना मैं दो कलर यूज़ कर रही थी। इसमें फ्लावर के लिए मैंने दो कलर यूज़ किया है, ये आप एक ही कलर से भी बना सकते हैं। मैंने कॉन्ट्रास्ट में बनाया है। तो इसे कैसे बनाना है मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगी। तो अगर आपको इसे बनाना है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ग्रीन कलर ले लिए हैं। ग्रीन कलर से मैं वो फ्लावर बनाऊंगी। और मैंने यहाँ पे देखिए 2.25 mm का मैंने क्रोचे सॉरी लिया हुआ है, हुक लिया है। अभी देखिए मैं यहाँ पे पहले गांठ बना रही हूँ। देखिए मैंने गांठ बना लिया है। और अभी हम लोग यहाँ पे चेन बनाएंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, टोटल आठ चेन ले लिया है मैंने। और फर्स्ट वाला जो है, जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था, ये देखिए आठ चेन लेने के बाद जहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट वाला स्टार्ट किया था उसके अंदर ऐसे डाल के फिर एक ही बारी में निकाल देना है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे चेन बनाएंगे। निकालने के बाद ये राउंड हो गया, एक चेन लिया है हम लोगों ने। फिर यहाँ पे दो तीन और चार चेन, ठीक है। फिर यहाँ पे अंदर से राउंड के अंदर से हम लोग डबल क्रोशेट, एक फिर एक चेन, फिर से और एक डबल क्रोशेट, तीन हो गए। फिर एक चेन और एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन और एक डबल क्रोशेट। ऐसे करके हम लोगों को 16 बार, ठीक है, 16 बार ऐसे करके बनाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने 16 डबल क्रोशेट बनाए हैं। और हर एक के बाद एक एक करके ऐसे करके चेन, एक चेन छोड़ के फिर बनाए हैं। अभी यहाँ पे लास्ट वाला जब ले लिया डबल क्रोशेट, फिर हम लोग एक चेन दे देंगे। फिर यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन के बाद हम लोग इससे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी राउंड कंप्लीट करने के बाद हम लोग अंदर डाल के फिर एक चेन, ठीक है, दो और ये थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशेट, फिर एक और हाफ डबल क्रोशेट, तीनों को एक ही बारी में निकाल देना है। फिर एक दो तीन चेन, फिर से सेम प्रोसेस, एक दो तीन, फिर हम लोग एक दो तीन चेन, फिर से सेम प्रोसेस, दो और ये तीन, फिर एक दो तीन चेन, फिर से दो और ये तीन। इस तरीके से हम लोग को, इस तरीके से ही हम लोगों को ये लाइन जो है कंप्लीट करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है ये वाला लाइन, देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है।
तो ये कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है। अभी हम लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तीन नंबर चेन पे हम लोग इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग कट कर देंगे। अभी कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए इस तरीके से हम लोग और भी बना लिए हैं। ये देखिए, मैंने और दूसरा कलर भी यूज़ किया है इसमें। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। फिर हम लोग अभी इसमें जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट कैसे करना है मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। जॉइंट करने के लिए हम लोग वाइट कलर यूज़ करेंगे। तो ये छोटा वाला जो होता है क्रोशेट, ये छोटा वाला वूल है। ये आसानी में आप लोगों को मार्केट में किसी भी शॉप में मिल जाएगा। यहाँ पे एक दो तीन चार चेन लेना है, ठीक है, सॉरी तीन चेन लेना है। फिर यहाँ पे डबल क्रोशेट, एक दो तीन, और पहले वाला पहले जो हम लोगों ने किया था उसको लेके चार हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ही एक दो फिर तीन चेन लेंगे, ठीक है। फिर यही पे फिर से हम लोग सेम प्रोसेस चार बार इसी में ही बनाना है। दो तीन और ये चार, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको एक सिंगल क्रोशेट से जॉइन करना है। अभी देखिए, जॉइन करने के बाद तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दो तीन चार और पांच चेन, ठीक है। फिर इसके अंदर हमें जॉइन कर लेना है इस तरीके से। फिर हम लोग एक दो तीन चार और ये पांच चेन फिर से इसमें जॉइन कर लेना है, हो गया। अभी यहाँ से ही हम लोग फिर से इसके अंदर नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, एक दो तीन और ये चार, हो गया। फिर से हम लोग एक दो तीन, फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस, दो तीन और ये लास्ट चार। फिर से नेक्स्ट में हम लोग सिंपली डालेंगे। फिर हम लोग एक दो तीन चार पांच चेन, फिर से नेक्स्ट में, फिर से हम लोग एक दो तीन चार पांच चेन, इस तरीके से हम लोगों को इसको चारों ओर कवर करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो अभी ये मैं जॉइन करूँगी। यहाँ पे मैंने पांच चेन ले लिया है और अभी यहाँ पे हम लोग जॉइन करेंगे। यहाँ पे जॉइन करने के लिए पहले हम लोग इसको अंदर से डालेंगे, फिर
फिर यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीसरे नंबर जो चेन है इसके अंदर डाल के फिर इसको इधर से खींच के फिर जॉइन करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसे जॉइन हो गया। ठीक है, अभी इसको हम लोग काट रहे हैं धागे को। ये धागा हम लोग का कट गया है। अभी नेक्स्ट कलर हम लोग डालेंगे इसमें, तो नेक्स्ट कलर जब डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से डालेंगे, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोनों ये पर्पल कलर जो है दोनों साइड में जाएगा और ऐसे ये कोना हिसाब से ये आएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, जैसे कि मैंने दिखाया कि फर्स्ट हम लोग ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे, फिर सेकंड हाफ में ये दोनों कलर आएगा, फिर थर्ड में ये वाला ग्रीन लाइन, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन देखिए ये मैंने टेबल के लिए बनाया है तो ये अभी कंप्लीट नहीं है। ये देखिए ये कंप्लीट हो रहा है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, यहाँ पे ज्वाइन किया है, और इस सिरे को ज्वाइन किया है, ये कितना गैप रहेगा इसमें देखिए। हम लोग को कुछ नहीं करना, एक साइड पूरा सिल लेना है, फिर एक साइड में यहाँ तक बना के जब यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे तब यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दीजिए। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने पहले ये वाला लाइन जो है यहाँ तक बना लिया है, तो चार यहाँ पे डबल क्रोशेट लेने के बाद मैं यहाँ पे एक चेन लूँगी। ठीक है, एक चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन करके फिर से एक चेन लूँगी। हो गया, अभी फिर से हम लोग यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक दो तीन और ये नंबर फोर। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग इसे पहले यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर एक दो दो चेन लेने के बाद तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको पहले इसे ज्वाइन कर लेंगे, फिर यहाँ पे एक दो चेन। ठीक है, फिर से नेक्स्ट में फिर यहाँ पे एक दो चेन, फिर यहाँ पे जाएंगे फिर से यहाँ पे एक दो चेन, फिर यहाँ पे फिर यहाँ से चार डबल क्रोशेट, एक दो तीन और ये चार, फिर यहाँ पे एक चेन। अभी एकदम सेंटर में देखिए, अगर एक ही रहेगा तो एक में डालेंगे, अगर तीनों सिरा एक बार में जुड़ गया है, एक रहेगा तो फर्स्ट वाला उसमें डालेंगे, अगर दो साइड में और है तो हम लोग बीच में जो है इसके अंदर डाल के पहले इसे ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन, फिर से हम लोग डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे एक दो फिर यहाँ पे एक दो तीन, एक दो फिर यहाँ पे एक दो, दो तीन और ये चार, एक और यहाँ पे
फिर यहाँ पे दो, तीन, चार, पाँच चेन इसको इधर से डाल के फिर यहाँ पे तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जब भी मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।